सभी बच्चों के सामने मेरे एक क्लासमेट ने हिजड़ा कह के बुलाया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एंड जब मेरा टेस्ट हुआ एंड आई केम टू नो दैट कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ एट द एज ऑफ 18 एंड माई फादर्स फर्स्ट रिएक्शन वॉज अरे ये तो सेक्स से होता है। दे विल टेल यू कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम और लोगों को भी पॉजिटिव करना चाह रहे हो, मैं कितने साल जिंदा रह सकता हूँ। तो मेरा नाम गौतम यादव है और मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से हुई है। ओखला एक जगह है जहाँ पे स्लम्स एरिया हैं, सो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन स्लम्स। मैंने 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि 8वीं क्लास में कुछ ऐसा हुआ था जैसे मैं स्कूल बस से घर आ रहा हूँ और स्कूल बस में मुझे सभी बच्चों के सामने मेरे एक क्लासमेट ने हिजड़ा कह के बुलाया एंड दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय स्कूल कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर उस टाइम पे हमारी एजुकेशन सिस्टम में जैसे आज के टाइम पे है कि स्कूल में एक काउंसलर अवेलेबल होता है, अगर वो होता या टीचर इतने सेंसिटिव होते तो शायद उस समय मुझे स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सो देन आई स्टार्टेड माई 10th अगेन एंड 10th मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से किया, फिर मैंने 12th अपना डिस्टेंस एजुकेशन से किया। तो जब मैं 17 साल का था तो और उस दौरान मैंने प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जो हैं इंडिया के पहले गे प्रिंस जिन्होंने अपने बारे में बताया था कि वो गे हैं, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया नाज फाउंडेशन के साथ दिल्ली में एंड वहाँ पे मैं काउंसलर से मिला। जब मैं वहाँ पे काउंसलर से मिला तो उन्होंने मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जैसे सेफ सेक्स के बारे में क्या पता है, क्या मुझे HIV के बारे में पता है। ही ऑल्सो आस्क मी अबाउट माई पार्टनर्स एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, सो ही आस्क मी कि आप HIV की जाँच करवाइए। सो उस वक्त कोई सिम्टम नहीं था एंड आई जस्ट वेंट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मुझे जानना है कि HIV टेस्ट के दौरान क्या क्या होता है। एंड जब मेरा टेस्ट हुआ तो दैट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट HIV टेस्टिंग एंड आई केम टू नो दैट कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ एट द एज ऑफ 18। थोड़ा सा शॉक लगा कि ये कैसे हो गया, एक बच्चा है जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी जानी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी हैं और उससे एक साल पहले ही घर में बताया है कि मैं एक गे हूँ। पेरेंट्स अभी वो डाइजेस्ट करने में लगे हुए हैं कि एक बेटा है और वो गे है और दूसरा अभी मैं उन्हें HIV के बारे में बताऊँगा। तो इट वॉज़ काइंड ऑफ सब कुछ मिक्स हो गया था एंड आई वॉज हैविंग सो मैनी फीलिंग्स कि अभी इनको मैं कैसे हैंडल करूँ। बट सबसे बड़ा चैलेंज था अब ये घर में कैसे बताना है क्योंकि आपका ट्रीटमेंट शुरू करना है और जब ट्रीटमेंट शुरू करना है क्योंकि आप 18 साल के हो तो somebody from the family डॉक्टर asked me to bring। देन मैंने 2-3 दिन का वक्त लिया एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया एंड मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है एंड आई वॉज क्राइंग ओवर द कॉल। तो जब मैं गया उनके पास बात करने के लिए और मैंने उन्हें बताया कि दीदी मैं पॉजिटिव हूँ HIV पॉजिटिव हूँ, आई डोंट नो उनमें इतना स्ट्रेंथ कहाँ से आया उस वक्त, बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि तू पागल हो गया, रो क्यों रहे। तो उस वक्त उन्होंने पापा को बताया कि मुझे HIV हो गया एंड माई फादर्स फर्स्ट रिएक्शन वॉज अरे ये तो सेक्स से होता है। एंड देन अगेन शी हैंडल द सिचुएशन एंड शी टोल्ड देम कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट अदर वे ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन वो सारी चीज़ें उस वक्त मेरी सिस्टर ने हैंडल की एंड देन उसके बाद मेरी फैमिली
फिर से मेरे साथ खड़ी हुई थी अगले दिन से. दे केम टू द क्लिनिक जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू होना था, और फिर वहाँ पे उन्होंने काउंसलर से बात की, अपनी भी काउंसलिंग ली, और उन्होंने अपने सारे डाउट्स क्लियर किए, एंड दैट्स हाउ आई केम आउट. देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद ऐसे शहरों की, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत नॉर्मल ट्रीट होती हैं, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ों के बारे में पता है. अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव भी है तो शायद आपको पता है कि आपको कंप्लेन कहाँ करनी है, किसके पास जाना है. लेकिन छोटे से जो रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कई बार होता है लोग नहीं इतनी हिम्मत कर पाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये भी डर होता है कि अगर मैंने इनको पलट के कुछ बोल दिया तो क्या ये मुझे दवाइयाँ देंगे अगली बार. सो इस वजह से वो फाइट बैक नहीं कर पाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर से. अदरवाइज़ डिस्क्रिमिनेशन की केसेस तो आते रहते हैं. कई बार होता है कि डॉक्टर्स ने बहुत कॉमनली, अगर मैं बात करूँ तो, ये सुना होगा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो HIV पॉजिटिव है और डिलीवरी के टाइम पे हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने हाथ नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है. साउथ इंडिया में एक जगह पे किसी HIV पॉजिटिव औरत ने एक तालाब में जाके सुसाइड कर लिया, तो पूरा तालाब खाली करवाया गया क्योंकि उसने, वो पॉजिटिव थी. अगर मैं डेटिंग एप्लीकेशंस और इनकी बात करूँ तो वहाँ पे ये ज़रूर होता है कई बार कि आपने, क्योंकि मैंने तो अपनी प्रोफाइल लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, एंड देन जब लोग फोटो देखते हैं, क्योंकि मेरे बारे में इतना कुछ आ चुका है कि मैं, मेरी सेक्सुअलिटी क्या है और मैं पॉजिटिव हूँ और मैं ओपनली इसके बारे में बात करता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी रैंडम प्रोफाइल से जहाँ पे उन्होंने फ़ोटो भी नहीं लगाई हुई है, दे विल टेक्स्ट यू एंड दे विल टेल यू कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पॉजिटिव हो, तुम और लोगों को भी पॉजिटिव करना चाह रहे हो. समटाइम इट्स लाइक पीपल लाइक यू शुड डाई ऑफ एड्स, ये सामने से बोलते हैं. अगर मैं डेटिंग लाइफ की बात करूं तो आई मीट पीपल, आई डू हुकअप्स, एंड कई सारे लोग उनमें से हैं जिन्हें मेरे HIV स्टेटस के बारे में पता है. कई सारे लोग, इनफैक्ट ये हैरानी होगी आपको जानकर, कई सारे लोग मेरे से इस वजह से ही मिलते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ. वो इसलिए क्योंकि वो ये बोलते हैं कि गौतम, आप सेफेस्ट पर्सन हो जिसके साथ हम सेक्स कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है आप अनडिटेक्टेबल हो, हमें पता है आप इतने सालों से HIV के साथ जी रहे हो, सो यू आर द सेफेस्ट पर्सन एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू मीट यू. आज भी अगर कोई मेरे से बात करता है और जो रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, उनका पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा कि मैं कितने साल जिंदा रह सकता हूँ. तो ये मेरे दिमाग में भी था कि पता नहीं कितने साल होंगे, शायद अभी साल दो साल बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. जब आप एक अच्छी डाइट फॉलो करते हैं और आप एक अच्छा ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि HIV होना ज़िंदगी का अंत हो गया है. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपकी लाइफ ख़त्म है, बल्कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं. क्योंकि आपके एक तो रूटीन टेस्ट हैं जो साल में दो बार हो रहे हैं, और आप जो लेटेस्ट रिजीम है वो आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी कर रही है HIV को लेके, जहाँ पे जो लेटेस्ट रिजीम HIV के लिए है वो उन्होंने लोगों तक पहुँचाई है. और जिसे आज के टाइम पे अगर हम लेते हैं तो विद इन 6 मंथ्स, अगर आज कोई डायग्नोज होता है HIV से, तो विद इन 6 मंथ्स वो पर्सन अनडिटेक्टेबल हो जाता है. और एक बार आप अनडिटेक्टेबल हैं तो आपकी लाइफ हेल्दी होगी. कई सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि HIV हो गया है तो मतलब एड्स है. मुझे आज तक एड्स नहीं हुआ है, 15 साल हो गए हैं. एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी HIV पॉजिटिव पर्सन को एड्स होगा ही होगा. अगर वो सही से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सही से इलाज कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें डॉक्टर बता रहे हैं, तो वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं. देखिए, अगर मैं अनडिटेक्टेबल की बात करूँ, U=U की बात करूँ, तो अनडिटेक्टेबल होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में HIV वायरस ख़त्म नहीं हो जाता है बिल्कुल. उसकी जो क्वांटिटी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने की होती है वो लेस होती है.
लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बीमारी होनी है या मुझे कोई फॉर एग्जांपल अगर सर्दी ज़ुकाम भी होना है, उसके लिए मुझे किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आना पड़ेगा जिसको सर्दी ज़ुकाम है। एंड उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो मुझे होगा ही होगा, राइट क्योंकि उस लेवल में उस उतने मुझे बैक्टीरिया या जो भी वायरस है उतना होना चाहिए मुझे इन्फेक्ट करने के लिए। और उस सिचुएशन में अगर मैं HIV की बात करूं तो HIV में बेसिकली है कि आप एक बार अनडिटेक्टेबल हुए हैं, आपका वायरल लोड जो है वो इतना नीचे जा चुका है कि जिस क्वांटिटी में वो HIV का वायरस हमें चाहिए किसी को पॉजिटिव करने के लिए, उतना आपकी बॉडी में नहीं है। बेसिकली उस सिचुएशन में अगर आप किसी पर्सन के साथ सेक्शुअली एक्टिवली साथ में आते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो वो पर्सन HIV पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन ये प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं, मतलब लोगों को इनकरेज नहीं करते हैं कि आप अगर आप अनडिटेक्टेबल हो तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल करना बंद कर दो। वाई? बिकॉज आप HIV ट्रांसमिट नहीं करोगे, लेकिन STI STDs ट्रांसमिट हो सकती हैं। बीइंग अ पर्सन हु इज फ्रॉम LGBT कम्युनिटी एंड लिविंग विद HIV, बहुत सारे चैलेंज हैं जो मैंने फेस किए हैं, उनमें से कुछ मैंने शेयर भी किए हैं। बट लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा मुझे नहीं लगा है। क्योंकि अगर हम बात करें हमारी स्पेसिफिक कंट्री की, आज के टाइम पे एक जो लड़ाई शुरू हुई थी 377 को लेके, आज 377 नहीं है हमारे देश में, उसको अमेंड कर किया जा चुका है। अगर हम बात करें HIV को लेके, HIV को लेके भी हमारे देश में लॉ है, एक्ट है प्रॉपर कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, हमारे देश में बेटर ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा देश है जो HIV के ड्रग्स दूसरे देशों में भेजता है। कितने सारे देश हैं जो हमारी कंट्री के ऊपर निर्भर हैं कि HIV के ड्रग्स यहाँ से वहाँ जाएंगे। चैलेंजेस हर जगह हैं, बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोप अप विद दैट। प्लीज़ रीड अबाउट HIV एंड नो मोर अबाउट द सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। अगर आप HIV पॉजिटिव हैं, आप अपने HIV को अपनी ज़िंदगी डिसाइड ना करने दें। डोंट लेट योर HIV वायरस मेक योर डिसीजंस कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है।